सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुबां पर सर्वधर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है। नमस्कार, मैं नीलाक्ष श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। सन 1947 से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समूचे भारत में यह दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हम 15 अगस्त को ही क्यों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आइए देखें इस पे एक रिपोर्ट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तकरीबन दो सदी तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए और फिर लंदन के बंकिंगम पैलेस और ब्रिटिश संसद में क्राउन के जरिए। भारत और पाकिस्तान में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनने के लिए अंग्रेजों के कॉलोनियल कल्चे से बाहर आया। 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में अस्तित्व में आया। लॉर्ड माउंटबेटन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद के जरिए 30 जून सन 1948 तक भारतीयों को सत्ता ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं का मानना था कि जून 1948 तक इंतजार करना इसके लायक नहीं था, इसलिए सत्ता परिवर्तन की तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1947 कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 2 सप्ताह में यह पारित हो गया और आखिरकार एक कानून बन गया। इसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन के निर्माण के जरिए 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। तब से 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाल किले पर भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। टोक्यो 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भारतीय ओलंपियन भी इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे।